भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आमजन के लिए जन सुनवाई कल 13 जून से शुरू होगी। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भाजपा प्रदेश पदाधिकारी सुनवाई करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर कल 13 जून गुरुवार से आमजन की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सुनवाई शुरू की जाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि यह जन सुनवाई प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक भाजपा प्रदेश मुख्यालय में की जाएगी। इस दौरान प्रतिनिधि भाजपा प्रदेश पदाधिकारी भाजपा प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहकर आम जन से प्राप्त शिकायतों का संबंधित विभाग और सरकार के स्तर पर समाधान करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बार फिर एक अनूठी पहल करते हुए रोजाना जन सुनवाई करने का एक प्लान बनाया गया है। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री जितेन कोठवाल जी मौजूद है। भाई साहब, रोजाना अब जो ये जन सुनवाई एक बार फिर से प्रदेश भाजपा कार्यालय में हो रही है, क्या कुछ इसमें रहेगा? देखिए, जन सुनवाई में लोग अपनी समस्या को लेकर आएंगे और हम लोग सरकार के माध्यम से उस समस्या का समाधान करेंगे। ये रोजाना होगी जन सुनवाई? बिल्कुल, जब 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 भी यहाँ पे रहेंगे तो हफ्ते में 5 दिन तो होने वाली है जन सुनवाई। आपके अलावा और भी कई पदाधिकारी जो उपलब्ध होंगे उसके अनुसार हम लोग ये जन सुनवाई करेंगे और सरकार के से भी बात की हमने, सभी अधिकारियों से बात करेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। जल्द ही वो भी चालू होने वाला है जी। मेरे साथ जितेन गोठवाल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब एक बार फिर से बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा और जनता की जो भी समस्याएं होंगी वो यहीं से भाजपा प्रदेश कार्यालय से सुलझाई जाएंगी। और न सिर्फ जितेन गोठवाल जी यहां पर मौजूद रहेंगे बल्कि भाजपा के कई और पदाधिकारी भी यहां पर आएंगे और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी इस जन सुनवाई में आने की पूरी उम्मीद है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।